हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम सागर, टेक न्यूज के नेपसेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेके आकर दिन भर के टेक्निकल से जुड़ी सारी खबरें, एक से एक दोस्तों कमाल से सारी खबरें लेकर आ गया हूं। तो आज दिन भर की सारी खबरों को बने रहने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, कमाल है और धमाल भी कर देगा ये आज सारी खबरें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली अपडेट निकल कर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की तरफ से, दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की दोस्तों इस कीमत की खुलासा कर दिया गया है और इसे दोस्तों इसकी प्री ऑर्डर बुकिंग के लिए भी इसके लिए ऑर्डर के लिए भी इसे कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब इसे प्री ऑर्डर बुकिंग भी कर सकते हैं। इस ऑर्डर में आपको दोस्तों बहुत कुछ फायदा भी मिलेगा इस प्री ऑर्डर में, जैसे कि आपको गैलेक्सी वॉच एक्टिव को भी 9,999 में या फिर दोस्तों बड्स को 4,999 में खरीद सकते हैं। इसके साथ आपको बहुत सारा ऑफर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको दोस्तों बता दें जो इसकी गैलेक्सी नोट 10 प्लस की जो कीमत रखी गई है दूसरी आठ इसकी दोस्तों 89,999 रुपए इसकी कीमत स्टार्टिंग कीमत रखी है, यानी कि 89,999 रुपीज इसकी स्टार्टिंग कीमत जो इंडिया में है ये गैलेक्सी नोट 10 प्लस की कीमत। खैर दोस्तों बहुत ही मेरे बजट से तो बहुत बाहर है गैलेक्सी नोट 10 प्लस, आप भी कर बता दीजिएगा आपके बजट में है कि नहीं ये फोन, हमें कमेंट कर जरूर बता दीजिए। वही दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रेडमी नोट 8 को लेकर। दोस्तों रेडमी नोट 8 को लेकर तो बहुत दिनों से इसकी कुछ रेंडर और ग्राफिक हमेशा लीक्स कुछ न कुछ निकल के आ रही है। आज भी दोस्तों इसके कुछ ट्रीजर्स जारी हुआ है रेडमी नोट 8 का और इसकी दोस्तों लीक तस्वीर भी इसकी झलक मिल गई है। रेडमी नोट की तस्वीर की जैसे बताया जा रहा है इसकी दोस्तों इसकी जो बैक बॉडी फिनिशिंग जो गैलेक्सी बैक बॉडी फिनिशिंग बताया जा रहा है और इसमें जैसे कि कुछ दिन पहले पता चला था जो दोस्तों इसके सोमी के मैनेजर थे जनरल मैनेजर लू बिंग्स ने खुद ही इसके 64 GB पिक्सल वाले कैमरा को फोन को भी टीजर जारी किया था और इसके दोस्तों जैसे कि मैंने इसके फिनिशिंग के आप जैसे देख पा रहे हो जो टीजर इसका खुद इसका तस्वीर लीक हुई है, इसमें बैक में गैलेक्सी फिनिशिंग दिया गया है। और एक चीज और दोस्तों आप लोग बता दूं और इसके बताया जो इसमें बताया जा रहा है इसकी बेहतर इमेज होगी और इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बड़ी बैटरी और बेहतर इमेज क्वालिटी के बारे में बताया गया है। इसकी सब कुछ इसमें बेटर दिया जाने वाला है गैलेक्सी के और इसमें बताया जा रहा है ये रेडमी नोट 8 की जो होगी दोस्तों इसकी बैटरी 4000 mAh की बैटरी होगी और इसमें कैमरा सेंसर जो लगने वाला है ये सैमसंग का आइसोसेल का ब्राइट GW1 का सेंसर यूज होने वाला है इस रेडमी नोट 8 में। तो दोस्तों अब आप लोग भी क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए इस रेडमी नोट 8 के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग पहले ही मैं बता चुका जो रेडमी नोट 8 है वो दोस्तों रेडमी 7 है और रेडमी 7A का ये दोस्तों अपग्रेड वर्जन आने वाला है। खैर दोस्तों साथ चलते बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट। वही अगली न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों नोकिया के 7.2 को लेकर। दोस्तों नोकिया के 7.2 हमेशा दोस्तों चर्चित में रहा, कुछ दिनों से चर्चित में रहा, कभी दोस्तों इसकी लॉन्चिंग डेट को लेकर दवा किया जा रहा था, कभी इसकी स्पेसिफिकेशन को लेकर लीक निकल कर आया। अब दोस्तों इसकी एक तस्वीर सामने लीक निकल कर आई जा रही है। इस तस्वीर के अनुसार बताया जा रहा है जैसे कि दोस्तों आप लोग को कुछ दिन पहले से एक लीक निकल कर सामने आया था कि इसके दोस्तों ये अगले महीने होने वाले IFA 2019 के लॉन्च इवेंट में इसे आयोजित किया जाने वाला है, यानी कि इसके लॉन्च इवेंट में जो इसकी लॉन्च किया जा सकता है इसकी एक जो IFA का 2019 का लॉन्च इवेंट होने वाला है उसमें शायद इसके नोकिया का 7.2 और नोकिया का 6.2 को अनुमान लगाया जा रहा था कि जो इसे लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों एक कंफर्म एक डेट बताया जा रहा है कि इसी डेट पर उतारा जाए। इसी के साथ इसकी जो तस्वीर लीक निकल रही है आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर जैसे इसकी थोड़ा कुछ इसमें ये वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया हुआ है और जैसे बेजललेस और इन फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे इसके फीचर्स देख रहे हैं और बैक में दोस्तों आप राउंड टाइप का इसका कैमरा दिया गया है। खैर इसके बाकी फीचर्स के अच्छे से आप लोग फोटो इसका देख के तस्वीर देख के आप पता लगा सकते हैं इसकी क्या क्या फिनिशिंग दी गई है। खैर इसमें जो नोकिया फोन में से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा भी इसकी सामने आ रहा है। खैर दोस्तों आप लोग क्या कहलाता है क्या ये दोस्तों अगले महीना 5 तारीख को लॉन्च होगा कि नहीं होगा हमें भी एक बार आप भी आपके अनुमान भी हमको जानकारी दे दीजिएगा। वही अगली अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों रेडमी की तरफ से। दोस्तों रेडमी अपनी एक टीवी को लॉन्च कर सकता है ये एक डेट निकल कर आ रहा है, एक लीक निकल कर आ रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि रेडमी की एक टीवी जो 29 अगस्त को लॉन्च किया जाने वाला है उस लॉन्च इवेंट में दोस्तों हो सके इस रेडमी नोट 8 को भी उतारा जा सकता है। ये दोस्तों जो टीवी लॉन्च किया जाने वाला है ये 29 अगस्त को ये लॉन्च किया जाने वाला है चाइना में और चाइना मार्केट में। इसकी जो इस बात करते हैं इसकी चीन में जो टीवी लॉन्च होने वाला है ये 70 इंच का टीवी होगा और इसी इस साथ में दोस्तों आप लोग बताया जा रहा है कि इस लॉन्च इवेंट में हो सके इसे रेडमी नोट 8 को भी चाइना में लॉन्च किया जा सकता है ऐसा एक संभावना लगाई जा रही है। खैर दोस्तों कुछ दिन एक पहले एक लीक निकल कर आया था कि रेडमी नोट 8 को 28 अगस्त को भी उतारा जा सकता है। अब दोस्तों सामने आ रहा है कि हो सके जब रेडमी अपना टीवी उतारेगी उसी वक्त इसको रेडमी नोट 8 को उतार सकती है। खैर अब आने वाला वक्त बताएगा 29 तारीख को इसकी स्पेसिफिकेशन और बाकी फीचर्स के बारे में पता चल पाएगा।
वही दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है रियलमी और फ्लिपकार्ट को लेकर। दोस्तों रियलमी ने दोस्तों फ्लिपकार्ट पर एक सेल चल रहा है जो रियलमी के फोन को अच्छा भारी छूट मिल रहे हैं, जैसे कि रियलमी 3 प्रो, रियलमी 2 प्रो, रियलमी 3, रियलमी के कई ऐसे फोन्स को आपको अच्छा खासा छूट मिल रहा है, जैसे रियलमी एक्स हो गया, रियलमी 3 प्रो हो गया, ऐसे ऐसे फोन को और रियलमी 3i जैसे फोन पर अच्छा भारी छूट मिल रहे हैं। तो आप भी रियलमी के फोन खरीदना पसंद करते हैं, जैसे कि दोस्तों रियलमी हमेशा अच्छे अच्छे फीचर वाले फोन उतारता और बेहतर बजट में, और बजट में भी आपकी और बचत हो जाती है दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। ये दोस्तों सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पर, आपको मिल जाएगा और दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जाइएगा और वहां से ये सेल का फायदा उठा सकते हैं रियलमी के फोन्स को लेकर। अभी भी रियलमी के फोन आप खरीदने के चाहते हैं दोस्तों, बहुत लोग चाहते हैं रियलमी 3, रियलमी 3 प्रो जैसे फोन को बहुत लोग खरीदना चाहते हैं। अभी तो इसमें रियलमी एक्स को भी, जैसे कि आप रियलमी एक्स को जो फिलहाल में लॉन्च हुए फोन रियलमी 3i एक्स सबको फोन पर ही अच्छा भारी छूट मिल रहा है, तो अभी रियलमी के फोन खरीदना चाहते हैं दोस्तों वहां जाके ले सकते हैं, अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। वही दोस्तों अगली और आखिरी न्यूज निकल कर आ रही हुवावे की तरफ से। दोस्तों गूगल ने गलती से हुवावे की पी स्मार्ट प्रो के दोस्तों स्पीकेशन को लीक कर दिया गया है, जैसे कि दोस्तों हुवावे का आने वाला नेक्स्ट फोन हो सकता है हुवावे पी स्मार्ट प्रो, जैसे इस पी स्मार्ट प्रो नाम से हुवावे का नेक्स्ट फोन हो सकता है और इसकी दोस्तों स्पीकेशन कुछ गूगल से लीक कर दिया, जैसे कि बताया जा रही है इसमें दोस्तों इस फोन की होने वाला है स्क्रीन साइज 6.5 इंचेस का और उसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.5 और तो इसकी बात करते हैं ये दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर दिए जाने वाला और इसमें जो टेलीफोटो सपोर्ट करेगा। खैर दोस्तों बाकी स्पीकेशन तो नहीं, इतने स्पीकेशन कुछ लीक निकल कर आ रही है। हाँ ये तो साबित हो गया कि हुवावे का नेक्स्ट फोन होगा हुवावे पी स्मार्ट प्रो, ऐसा बताया जा रहा है। खैर दोस्तों ये लीक्स आप भी दोस्तों मैं स्क्रीन पर आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो लीक्स निकल कर आ रही है, अब भी कंफर्मेशन हो जाए इस लीक से। खैर हुवावे के फोन को दोस्तों आशिक और दीवाने हैं तो आप भी इस फोन को लेने के इंतजार कर सकते हैं। खैर दोस्तों अभी तक लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लेकर आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।